दोस्तों इन्फिनिक्स 7000 रुपीस में एक किलर डिवाइस लॉन्च कर दिया है जो कि इन्फिनिक्स हॉट 8 और इसी प्राइस के आसपास रियलमी की तरफ से भी एक स्मार्टफोन आता है जो कि रियलमी C2 और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोल रहा था कि इन दोनों फोन का डिटेल कंपैरिजन करने के लिए, तो आज इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों फोन से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन या कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। रियलमी C2 में आपको बैक साइड की तरफ पॉली कार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी दिया है, लेकिन गाइस इसका डिजाइन कमाल का है। बैक साइड की तरफ ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है, डायमंड कट फिनिश दिया है जो कि आप यहां पे देख सकते हो, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 8 में सेम पॉली कार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस इसका डिजाइन भी कमाल का है। ड्यूअल टोन कलर भी देखने को मिल जाएगा, यहां पे भी ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है। तो डिजाइन के मामले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है Realme C2 आगे जाता है। डिस्प्ले के बारे में बात करा जाए, Infinix Hot 8 में आपको देखने को मिलता है 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले, यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले नहीं दिया है, जबकि Realme C2 में आपको देखने को मिलता है 6.1 इंच का HD+ डिस्प्ले। तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले जो एक्सपीरियंस है वो बेटर मिलेगा Infinix Hot 8 में, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काफी बड़ा है। बात करते हैं कैमरास के बारे में। Infinix Hot 8 में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, जो प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का और गाइस जो थर्ड सेंसर वो लो लाइट सेंसर है। सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है, जबकि Realme C2 में आपको बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का एंड गाइस जो सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। सेल्फी में दिया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कैमरा के मामले में बिल्कुल विनर रहता है हमारा Infinix। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। दोनों फोन में सेम प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek का Helio P22 चिपसेट, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है, बजट सेगमेंट के अंदर काफी पावरफुल है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और अच्छा खासा PUBG चल जाएगा। 7000 रुपीस में इससे ज्यादा उम्मीद आपको नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, Infinix में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक तो है ही, लेकिन गाइस Realme C2 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, यहां पे फेस अनलॉक के जरिए आपको काम चलाना पड़ेगा, तो यहां पे वोट जाता है Infinix को। बैटरी के मामले में भी विनर रहता है Infinix, क्योंकि यहां पे दिया है 5000 mAh की बैटरी, जबकि Realme C2 में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, तो यहां पे विनर रहता है Infinix। स्टोरेज एंड प्राइस के बारे में बात करा जाए, Realme C2 का जो 2GB 32GB 7000 रुपीस में लॉन्च किया है और Infinix का जो 4GB 64GB 7000 रुपीस में मिलता है, तो आप बताओ आप कौन सा फोन लोगे। बिल्कुल विनर रहता है Infinix। मैं आपको सजेशन करूंगा कि Realme C2 को स्किप करो, Infinix Hot 8 के पास देखो, कमाल का स्मार्टफोन है, 7000 रुपीस में भर भर के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। ऐसे भी दोस्तों सबके राय अलग अलग होता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के लिए मैं जरूर इंतजार करके रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज लाता रहता हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।